दोस्तों आपने बचपन में युगों के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि युग चार होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। शास्त्रों में इन युगों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। तो आज जिस युग की हम बात कर रहे हैं वो है कलयुग। आपको बता दें कि इस युग के बारे में भगवत पुराण में सुखदेव जी ने काफी विस्तार से वर्णन किया है। आज के समय में जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो सब भागवत पुराण में पहले ही बताया जा चुका है। मिलने लगेंगे ऐसे संकेत। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। जब सूख जाएंगी गंगा, कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाए करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। क्या खाएगा मनुष्य? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न भी उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी और गाय दूध भी देना बंद कर देगी। मनुष्यों का स्वभाव, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा होगा। केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा और लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक भी हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा और मानवता नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब और हिंसा ही धर्म होगा। महाप्रलय, बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। यहां तक कि धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका कलयुग के अंत के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। आप 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।